रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब हर दिन और तेज होती जा रही है। इस बीच रूसी अधिकारियों ने खेरसॉन में रहने वाले नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ने को कहा है। दरअसल रूसी अधिकारियों को आशंका है कि यूक्रेनी सेना शहर पर कब्जा करने के लिए आम लोगों को निशाना बना सकती है। अभी तक खेरसॉन में रह रहे लोगों को निकालने का काम काफी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब लोगों को तत्काल प्रभाव से शहर छोड़ने को कहा गया है। एक टेलीग्राम पोस्ट में रूस समर्थक खेरसॉन प्रशासन ने तनावपूर्ण स्थिति, गोलाबारी और आतंकवादी हमलों के खतरे का हवाला देते हुए लोगों को रूसी क्षेत्र में नीपर नदी के पार जाने का आदेश जारी किया है। वहीं पश्चिमी देशों को आशंका है कि आम लोगों को निकालने के बाद यूक्रेनी सेना को सबक सिखाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बम कम क्षमता वाला होगा जो सिर्फ उन्हीं इलाकों को निशाना बनाएगा जहां यूक्रेनी सेना की स्थिति मजबूत होगी। रूसी परमाणु बॉम्बर TU-160 और TU-95 पहले से ही यूक्रेनी सीमा पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये बॉम्बर एक बार की उड़ान में दुनिया में किसी भी जगह पर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइलों को दाग सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी खेरसॉन में डैम पर बारूद बिछा रहा है। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी उड़ाने की प्लानिंग है, जिससे आगे ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। खेरसॉन से लोगों को निकालने के आदेश के बीच रूसी हवाई हमलों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। रोज रूस के कई ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेनी पावर स्टेशनों को पानी से निशाना बना रहे हैं। इस कारण अभी तक यूक्रेन के 40% पावर स्टेशन तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी एयर डिफेंस ने शनिवार को कई रूसी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। इसके बावजूद कई मिसाइलों और ड्रोन अपने निशानों को तबाह करने में कामयाब हुए। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि रूस ने कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए मिसाइल हमला किया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस की 33 क्रूज मिसाइलों में 18 को मार गिराया है। शनिवार दोपहर तक पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों के सायरन की आवाजें सुनाई देती गईं। कीव समेत कई बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग अब भी बंकरों में रहने को मजबूर हैं। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।